सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दंगल 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अभी कुछ ही मिनट पहले जो है अभय चौटाला ने पीसी की है और उन्होंने ये भी बोला है कि इनेलो के किसी भी नेता ने जो है आपको चिट्ठी नहीं लिखी है, वो आपके खिलाफ जो है मानहानि का दावा करेंगे, झूठ बोलने के लिए दावा करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? फर्स्ट रिएक्शन इसी पे चाहूंगी आपका। देखिए मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार की बातें ये लोग पहले भी करते रहे हैं, ये इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, ये दूसरे लोगों को उकसा करके और उनसे कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें करवाना, केवल ये अभय सिंह चौटाला के पास काम बचा है। उसके पास अब पार्टी के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। उसको लगता है कि हरियाणा में अब जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है जींद उपचुनाव के बाद, इसलिए कुछ ना कुछ तो उन लोगों को कहना है। इसलिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस बात की का हमें कोई मतलब नहीं है, उनका काम है, जो करना उनको वो करें। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, आपके संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो भी जो है आगे भेज दी गई है आलाकमान के पास। यहाँ पर एक लिस्ट सुभाष जी मेरे पास भी है, जिस पर मैं आपके जानना चाहूंगी कि जो हमारे पास लिस्ट आई है उसकी परसेंटेज कितनी सही है, ये जानना चाहूंगी। हमारे पास संभावित जो नाम है, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, रोहतक से अरविंद शर्मा, हिसार से रणवीर गंगवा, करनाल से संजय भाटिया, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह या सोमवीर सांगवान को टिकट दिया जा सकता है, सोनीपत से विजेंद्र सिंह या रमेश कौशिक को, सिरसा से सुनीता दुग्गल को, अंबाला से रतनलाल कटारिया को और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। अब मैं ये जानना चाहूंगी जो संभावितों की लिस्ट है, हालांकि आगे पैनल को भेज दी गई है अप्रूवल के लिए, इस लिस्ट को आप कितना परसेंट सही मानते हैं? देखिए अभी तक हमारे राष्ट्रीय हाईकमान ने किसी भी तरह का कोई फैसला किया नहीं है, और आप कहते हैं कि आपके हाथ के अंदर एक लिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट के अंदर कहीं कोई सच्चाई। हो सकता है इसमें कुछ नाम उसमें आ भी जाएं, क्योंकि ये जो हमने पैनल बनाया उसमें कुछ नाम तो इसमें से भी होते ही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बाहर आई है। अभी तक तो फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने करना है, सूत्रों के हवाले से है। जी देखिए फिर मैं इसके बारे में, पूजा जी, आप इस प्रकार का दावा कर सकते हैं कि आपके हाथ में कोई इस प्रकार की सूची है, मैं इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता, मुझे इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। अगर आपके को गलतफहमी है तो हम केंद्रीय हाईकमान को कह देते भी उनकी सूची है, उन्होंने जारी कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी सूची जब जारी होगी, केंद्रीय नेतृत्व हमारी सूची को जारी करेगा, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता पहले। जी करनाल कुरुक्षेत्र से कहा गया था कि टिकट वहां से सांसदों का कट सकता है, जो सिटिंग एमपीज हैं उनको टिकट नहीं दिया जा सकता, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो नेचुरल है, हमारे सांसद करनाल के अश्विनी जी स्वस्थ नहीं है, तो ये तो नेचुरल है कि उनकी जगह टिकट किसी और को दिया जाएगा, और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र का है कि वहां से टिकट निश्चित रूप से बदला ही जाना है, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। जी तो इन दो जगह पर कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर अरविंद शर्मा की, हमसे कुछ दिन पहले उनकी बात हुई थी, उन्होंने मतलब विलिंगनेस दिखाई थी कि वो करनाल से लड़ना चाहते हैं, मतलब उनकी इच्छा थी कि वो करनाल से लड़ना चाहते। आप लोगों के ख्याली पुलाव हैं इसमें। देखिए अब किसकी क्या इच्छा है, एक बात मैं कहता हूँ, मैं हमेशा से मीडिया के बंधुओं को एक बात कहता हूँ कि जो इच्छा जाहिर करता है वो प्रदेश की चुनाव समिति में उसके ऊपर चर्चा होती है, और वहाँ चर्चा होकर के केंद्रीय चुनाव समिति को हम लोग अपनी जो सूची है वो सौंप देते हैं। अब कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई
उसमें जिन जिन संभावितों के नाम थे सारी सूची हमने अब सौंप दी है, इसलिए आप एक एक सीट पे भी चर्चा करोगे। जवाब तो मेरा वही अंतोगत्वा रहने वाला है कि इसका फैसला केंद्रीय हाईकमान करेगा, चाहे आप 10 की 10 के बारे में इकट्ठी चर्चा करें या फिर आप जिस प्रकार से अभी कभी करनाल का नाम लेकर के बात करते हैं, आप कभी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। देखिए वो तो जवाब मेरा पत्रकारों का धर्म होता है, कैसे भी जो है अपनी जो सच्चाई है वो निकलवाने की कोशिश की जाए। एनीवेज आगे अगर हम बढ़ते, अगला सवाल मेरा यही है, चौकीदार कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं भी चौकीदार करके कैंपेन चलाया जा रहा है, और विपक्ष की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि कभी चाय वाले के नाम पे, कभी प्रधान सेवक के नाम पे इस तरह के जो है जुमले छोड़े जाते हैं। अभी नया जुमला आ गया है चौकीदार, इसके आधार पर जो है अब मुद्दों से भटका करके इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी द्वारा, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भटकाती किसी को, मुद्दों से भटकाने का काम तो विपक्ष करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को लगता है कि कहीं कहीं उसको चर्चा में बने रहने के लिए कोई ना कोई बात तो करनी है। अब एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब कल्याण का इतना बड़ा काम हुआ जो आज तक कभी नहीं हो सका, देश के किसान के कल्याण के लिए उसकी फसल का 1.5 गुना लाभ देने से लेकर के और उसको प्रत्येक साल 6,000 रुपये उसके खाते में जाएं, इस प्रकार की बात कभी किसी ने सोची नहीं थी। गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री हो, ये बात कभी किसी ने सोची नहीं थी। 12 रुपए में साल की किस्त दे करके आपका 2 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा, किसी ने सोची नहीं थी। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कुछ लोगों की मुट्ठी के अंदर कैद हो गई थी, वास्तव में लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है इसका एहसास अगर करवाया हमारी सरकार जो हरियाणा प्रदेश की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इसने करवाया। जब ये सारे काम हमने कर दिए, चाहे हम प्रदेश के स्तर की बात करें, देश के स्तर की बात करें, और मोदी जी के नेतृत्व में जो बात आखिरी अब समय में निकल करके आई कि देश की सुरक्षा के बारे में, देखिए देश के अंदर बाहर इस प्रकार के हमले पहले भी हुए, हमारे सैनिकों का बलिदान पहले भी हुआ, लेकिन जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, वो पराक्रम सैनिकों का, लेकिन देश के नेतृत्व का जो फर्ज बनता है कि देश की सेनाओं को खुली छूट दे, वो केवल काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके कारण से सेनाओं का जो मनोबल बढ़ा, उसके कारण से सेनाओं ने जो पराक्रम किया, ये सारी एक एक घटना जुड़ करके कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा कि अब उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, दोबारा से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इसीलिए इस बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को कहते रहे हैं शुरू से कि मैं देश में से जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, उनको खत्म करूंगा, उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करूंगा और देश का एक अच्छे चौकीदार के नाते चौकीदारा करूंगा, इस बात को कहा तो उनको आपत्ति क्या है। लेकिन आपत्ति ये हुई उनको कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है, हमारी सरकार के खिलाफ कोई आरोप किसी भी प्रकार का कोई लगा नहीं सकता, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई अन्य किसी क्षेत्र विशेष की अनदेखी का नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ करता था। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ उछाड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने चाय वाला के नाम से मोदी जी के ऊपर प्रहार करने का काम किया, इससे पहले सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को जब वो वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर कहा था, अब चौकीदार चोर कहा है। तो ये सारी चीजें उनको उल्टी पड़ने वाली है। जिस दिन से उन्होंने मोदी जी को चौकीदार चोर की संज्ञा दी है तो देश के आम आदमी ने, और चाहे वो राजनेता है, चाहे वो किसी अन्य किसी क्षेत्र विशेष में काम करता है, ऐसे सब लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, इसलिए कितने लोगों को चोर कहेंगे राहुल जी? क्या सारे देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है? क्या सारी देश की जनता की को राहुल जी को चोर सिद्ध करना चाहेंगे? तो ये चीज भी इनके ऊपर उल्टी पड़ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी चौकीदार को मुद्दा बनाते हैं, कभी राफेल को मुद्दा बनाते हैं, ये लोग फेल हो चुके हैं। फेल होने वाले एक श्रेणी जिन लोगों की है वो इकट्ठे आकर के और इस प्रकार का शोर मचाने का काम केवल कर रहे हैं। जी ये भी आना चाहूंगी, अलायंस की बात करते हैं, शिरोमणि अकाली दल से पंजाब में बीजेपी का अलायंस है,
तो हरियाणा में ये संभावना जो है कहां तक नजर आती है, क्योंकि अभी तक जो है इस तरह का शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि वो पंजाब से बाहर हरियाणा में जो हिंदी बेल्ट है हरियाणा है, बाकी जगहों पर भी वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो यहां पर अलायंस की क्या संभावना हरियाणा में नजर आती है शिरोमणि अकाली दल के साथ? देखिए, मुझे नहीं लगता, वैसे तो एक केंद्रीय हाईकमान ने फैसला करना होता है इस तरह के विषय पे, लेकिन क्योंकि अभी हमने 10 की 10 सीटों की चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने की है और अभी तक कोई अलायंस की चर्चा आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई चर्चा नहीं आई है अलायंस की, भविष्य में कोई इस प्रकार की चर्चा आएगी। जी, बाकी पार्टियों को आप कहां देखते हैं? जेजेपी की बात करते हैं, जींद उपचुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा जेजेपी का, दूसरे नंबर की पार्टी रही, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किस परफॉर्मेंस की बात करते हैं आप? वो पार्टी जिसका केवल नाम बदला, एक बात बताइए आप, क्या इसमें जेजेपी में कोई नया चेहरा है? लोकदल के चेहरे है ना, उसी परिवार के चेहरे है ना जी, क्या नीति सिद्धांत कोई कार्यक्रम उनका बदल करके आया है क्या? वही नीति है, वही सिद्धांत है, वही परिवार है, केवल परिवार के एक सदस्य ने अपनी पार्टी का बोर्ड अलग से लगाया है, इसलिए आप इसको नई पार्टी की संज्ञा दें, मुझे नहीं लगता कोई नई पार्टी की संज्ञा देना इसको ठीक होगा। हाँ, लेकिन अगली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो देखिए आप, ये जो जींद की सीट थी, जींद उपचुनाव से पहले डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के स्वर्गवास से पहले लंबे समय तक INLD के पास ये सीट रही है जी। उस पार्टी से हमने जी सीट छीनने का काम किया है, और वो भी जब किसी पार्टी की सरकार का पांचवा साल होता है तो उसकी लोकप्रियता कसौटी के ऊपर कसी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब आम चुनाव आने वाला है, इसलिए इस प्रकार का मैंडेट वो दें, इस प्रकार का जनादेश दें, ताकि आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो आम चुनाव लोकसभा का है चाहे आम चुनाव विधानसभा का है, उसका रिफ्लेक्शन, उस उपचुनाव का रिफ्लेक्शन अगले चुनाव में जाए, इस प्रकार का जनादेश जनता देती है, और वो जनादेश हरियाणा की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल से सीट छीन करके और जिता करके भेजना बड़े मार्जिन के साथ, इसलिए आपका ये कहना कि जेजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कहाँ किया है, वो तो बहुत बुरी तरह से आ रहे, उन्होंने तो अपनी सीट खोई है, हासिल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए गलतफहमी में आप किसी को मत डालिए। लेकिन का तो यही कहना है कि उनके जो विधायक आपकी पार्टी में गए हैं, गंगवा गए हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो चलती रहती हैं, उन्होंने जो करना है ये तो उनका काम है जी। ये INLD के नेताओं का काम है, उनके नेता का काम है, जो उन्होंने करना है वो करें, और जो भी आगे जो भी चीजें न्याय संगत होंगी वो निकल करके आएंगे जी। तो किस आधार पर जो है अब जो लोकसभा चुनाव है, किस आधार पर हरियाणा की जनता जो है बीजेपी को वोट देने वाली है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, इसमें केवल हम जो जिस बात के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की और चाहे प्रदेश सरकार की जी, उसके साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, और देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े मजबूत नेता मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा, यानी कि गरीब कल्याण, विकास और देश की सुरक्षा, ये अहम मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और निश्चित रूप से चाहे गरीब कल्याण की बात करें या फिर विकास की बात करें, इन दोनों मुद्दों पर अगर जनता पूर्व की सरकारों के साथ कंपैरिजन करती है, तुलनात्मक अध्ययन करती है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कहीं उनसे कई कदम आगे खड़ा दिखाई देता है हरियाणा की जनता को। और जहां तक देश की सुरक्षा की बात है, देश की जनता ने और हरियाणा की जनता ने इस बात को बखूबी स्वीकार कर लिया, और हरियाणा का तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके घर में, जिसकी हमारी हरियाणा की जो वीर भूमि है, इसकी मिट्टी पर जन्म लेने वाले नौजवान देश की सेना में जाकर के देश की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, और वो हरियाणा की वीर भूमि पर पैदा हुआ कोई भी जवान, कोई भी इंसान
इस बात को बखूबी जानता है कि देश की सुरक्षा अगर है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता की जरूरत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। हरियाणा की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही बहुत सालों से एक बात करके दिखाई है कि जो दमखम सेना के अंदर है उसको स्वतंत्र रूप से अपना दमखम दिखाने का मौका मिले, और जब सैनिकों को अपना दमखम दिखाने का मौका मिला, चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे जल सेना की बात करें या वायुसेना की बात करें, जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर के ना केवल एयर स्ट्राइक किया बल्कि पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराने का काम किया, तो ये सेना के जवान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको मौका मिलना चाहिए, और वो मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका MH1 से बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराल, जिनसे हमने खास बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। फिलहाल दंगल 2019 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।